बताना जरूरी है। जैसे ये सामने पर बोर्ड लगा हुआ है लोहे का, अगर कोई तेज़ हवा चले या बारिश पानी हो तो ये बोर्ड गिर सकता है। साथ साथ जो फुटपाते हैं उनको जो है वो चर्चियों ने घेरा हुआ है और यहाँ अपनी सोने की आमाजगा बनाई हुई है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि सफाई सफाई का निज़ाम बिल्कुल भरम भरम हुआ हुआ है। नीचे रिक्शो वाले ने अपने जो है अपना बना लिया है मस्कन और अपना जो है स्टॉप ले किया हुआ। साथ साथ जितने भी खिदमत उमर वेलफेयर ट्रस्ट वाले बैठे हुए हैं और उन्होंने क्या किया हुआ कि पूरी जगह घिरी हुई है और अपने भतारे लगा दिए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है और टेबलें लगा के रखी। से कि उसको जो है हटाया जाए और उसको दोबारा से भर किया जाए मामले को। बाकी जो जौहर अंडर पास है एक ट्रैक खुला हुआ है, एक ट्रैक अभी बंद किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह काम हो रहा है। तो सामने एक चेज बना हुआ है मेरे सीधा हाथ पे मेगा मॉल फलकनास के पास, के सी आगे बना हुआ है, कामरान स्वीट्स हैं, महफूज शीरमाल है और जाने वाला ट्रैक खुला हुआ है और आने वाला ट्रैक जो है वो बंद किया हुआ है ड्यू टू मेंटेनेंस। आप देख सकते हैं नीचे जो है पूरा पत्थर वगैरह की वजह से वो टूटा हुआ है। तो ये अपडेट है कराची से जोड़ की जो कि मैं आपको दे रहा हूँ लाइव। हम हाजिर हैं, मौजूद हैं जोड़ के अंडर पास में, जिसलिए आप देख रहे हैं कि जाने वाला ट्रैक अभी यूनिवर्सिटी से टूवर्ड्स कॉन्टिनेंटल बेकरी जाने वाला ट्रैक खुला हुआ है, मगर आप कॉन्टिनेंटल बेकरी से जा रहे हैं टूवर्ड्स अभी यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट की तरफ तो वो ट्रैक बंद किया हुआ है, उसका ट्रैफिक ऊपर से जा रहा है, नीचे से इसलिए नहीं जा रहा कि नीचे जो है वो पूरा रोड जो है ख़राब हुआ हुआ है और पत्थर दरबार से डल रहे हैं इस अंडर पास में। जैसे कि आप देख रहे हैं हम मौजूद हैं मेन जोहर के अंडर पास पर, जाने वाला ट्रैक खुला हुआ है और आने वाला ट्रैक जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंडर पास में जो है काम हो रहा है। मेन जोहर पर हम खड़े हुए हैं, मेरे बिल्कुल सामने जो है ये चेज़ अप खुला हुआ है और एक ट्रैक खुला हुआ है, एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वो ट्रैफिक जो है ऊपर से जा रहा है, आप देख सकते हैं वो ट्रैफिक जो है पूरा ऊपर से जा रहा है जो ट्रैक बंद किया हुआ है। साथ साथ ये जो ब्रिज है, ब्रिज भी जो है ऑपरेट हुआ हुआ है, चल रहा है और यहाँ लोगों ने जो है अपने दस्तान लगाए हुए हैं और दस्तान लगा के छोटी छोटी फुटपाथों को घेरा हुआ है। खासकर ये कोई खिदमत उम्मत वेलफेयर ट्रस्ट है, इनके इस पतारे को हटाया जाए कि ये इस खूबसूरती को जो है ख़राब कर रहे हैं इनके ये पतारे, इनके जंगले। हालांकि आगे इसी रोड पे जब के एन एस का बोर्ड लगा हुआ है, इसी लाइन में आगे सैलानी वाले और दो तीन वाले और बैठे हुए हैं एन जी ओ जिन्होंने कुर्बानी के जानवर रखे हुए कतले के बकरे रखे हुए, मगर उन्होंने प्रॉपर एक शॉप ली हुई। ये थोड़ी क्या रोड पर बैठ जाए, रोड पर जंगले लगा दें, रोड पर आप पतारे लगा दें, तो ये जो रवायत कायम हुई है ख़त्म होनी चाहिए। एम्बुलेंस की बात ठीक है, एम्बुलेंस की हद तक सही है, मगर ये पतारे और इस तरह की चीज़ें हमें हटानी चाहिए। साथ साथ आप लोग सामने देख सकते हैं कि चर्सी जो है या सोर है, इनको कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। तो बाकी सफाई सुथरा का निज़ाम देख सकते हैं, इतना खास दुखा इतना अच्छा नहीं है। साथ साथ चिंची होने गया है, ये अपना चिंची वालों ने अपना स्टॉप बना लिया, तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें रिहेबिलिटेशन मांग रही है, मेंटेनेंस मांग रही है। तो गुजारिश है मेरे काशी मुफ्ती जवाहर साहब से कि इनको दोबारा से मेंटेन किया जाए, चीज़ों को सफाई सुथरा का नाम बेहतर किया जाए और साथ साथ जो है जो सफाई सुथराई है उसे बेहतर किया जाए। बाकी आप सब देख सकते हैं कि अंडर पास जो है एक ट्रैक खुला हुआ है और एक ट्रैक जो है बंद हुआ हुआ और नीचे जो है ट्रैक बंद होने की वजह आपके सामने पत्थर डल रहे हैं दोबारा से, ये पत्थर काफ़ी ऊपर नीचे थे, लोगों की कंप्लेन ये थी खासकर बाइक वालों की कि हम जब बाइक लेके जाते हैं तो बाइकें ऊपर नीचे चलती हैं क्योंकि पत्थर जो है प्रॉपर डले हुए नहीं है। सफाई सुथरा देख सकते हैं नीचे प्रॉपर नहीं है, लेकिन मिट्टी कितनी पड़ी हुई है। तो इस अंडर पास को साफ सुथरा किया जाए दोबारा से और साथ साथ इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हुआ यहाँ जंगले लगना चाहिए, कि आपको बताइए खुदकुशी के मामले कितने चल रहे होते हैं, कोई भी नीचे कूद मार सकता है। तो यहाँ जो है इस दीवार को ऊँचा किया जाए, इस दीवार को ऊंचा करके या तो जंगला लगाया जाए या दीवार को ऊंचा किया जाए ताकि यहाँ कोई बड़ा सहारे ना हो। अल्लाह ताला हम सबको मेहमान में रखें। ये अपडेट में लेके हम कराची से।